10.3 आरडी शर्मा की जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे उसी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन नंबर 11 10.53 हमको दिया था इवैल्यूएट यानी इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करना है। sec 50 इंटू साइन 40 प्लस cos 40 इंटू cosec 50 इस इक्वेशन की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, इट इज कॉल्ड इवैल्यूएट। ना आपको बताया था कि जैसे ये दो टर्म्स हैं मल्टीप्लीकेशन में, ये दो में से एक टर्म को पूरा बदलेंगे और एक टर्म को बिल्कुल नहीं बदलेंगे। अगर sec 50 को हम बदल रहे हैं तो sin 40 नहीं बदलेंगे, और अगर sin 40 को बदलना है तो sec 50 नहीं बदलना पड़ेगा। मतलब दो में से एक टर्म को पूरा बदलेंगे, एक टर्म को बिल्कुल नहीं बदलेंगे। वैसे ये दो टर्म में से एक को बदलेंगे, एक को नहीं बदलेंगे। तो सपोज आई एम अज्यूमिंग ये sec 50 इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो आपके इसके लिए बताया था एक्चुअली रूल क्या है। रूल इज नथिंग बट SC SC TC। पहला एससी का इंडिकेट करता है कि साइन को कन्वर्ट करना है कॉस में या कॉस को कन्वर्ट करना है साइन में। दूसरा एससी का इंडिकेट करता है सेक को कन्वर्ट करना है कोसेक में या कोसेक को कन्वर्ट करना है सेक में। तो शॉर्ट में याद रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट फॉर्म है SC SC। और थर्ड TC मतलब टैन को कन्वर्ट करना है कॉट में या कॉट को कन्वर्ट करना है टैन में। लेकिन जब भी आप साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक, टैन को कॉट, कॉट को टैन, तो हमेशा एंगल बदलना पड़ेगा, थीटा को बदलना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। और अगर 90 माइनस थीटा पहले दिया तो थीटा मिलाएगी, सॉरी। तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे पहचानेंगे, प्रॉब्लम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए, उनके एंगल को ऐड करके देखिए आंसर 90 आता है क्या। 50 प्लस 40 90, यहां 40 प्लस 50 90। जिन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल्स को ऐड करके आंसर 90 आता, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो ज्यादातर क्वेश्चंस में दो में से एक टर्म को बदलना है, पूरा एक को नहीं। तो अब देखिए आप यह सेक, ये देखिए आप सेक को कन्वर्ट कर रहे हैं कोसेक में, तो सेक को कन्वर्ट करना है कोसेक में। लेकिन अगर सेक को कन्वर्ट करेंगे कोसेक में तो एंगल भी बदलना पड़ेगा, जो एंगल दिया थीटा उसको बदलना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। तो यह हमारा थीटा है, दिस विल बी थीटा, तो ये थीटा है, इसको बदलना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। तो थीटा हमारा 50 है तो 90 माइनस 50 मतलब 90 माइनस 50। ये फर्स्ट टर्म डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड टर्म हम नहीं बदलेंगे, जैसा वैसे रखेंगे साइन 40 प्लस, वैसे ये दो टर्म में से एक को बदलेंगे, एक को नहीं बदलेंगे। सपोज हमको कॉस बदलना, आप कॉस बदल सकते, या साइन कोसेक बदलना कोसेक, दोनों में से एक को पूरा बदलेंगे, एक को नहीं बदलेंगे। आई एम अज्यूमिंग कि कॉस 40 को सपोज बदल रहे, तो cos 40 को अगर बदलना है, इसको अगर आपको बदलना है तो cos को रिप्लेस करेंगे sin से। देखिए cos को रिप्लेस करना पड़ेगा sin से, लेकिन जब भी आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो एंगल बदलना पड़ेगा, थीटा को 90 माइनस थीटा, जो एंगल साथ में दे इसको अज्यूम करेंगे थीटा। तो यहाँ 50 था तो 90 माइनस है मतलब 90 माइनस 50, लेकिन यहाँ ये 40 है यानी यहाँ पे थीटा की वैल्यू 40 है, तो यहाँ 90 माइनस 40। ये फर्स्ट टर्म हो गया। और सेकेंड टर्म जैसा है, फर्स्ट टर्म को पूरा बदल दिया कॉस को साइन में, एंगल थीटा को 90 माइनस थीटा, और सेकेंड टर्म बिल्कुल नहीं बदलेंगे, सो इनटू कोसेक 50, दिस इज सेकेंड टर्म। ना इसी को देखिए आगे सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू ना यहां पे सो दिस इज थिंग। ये फर्स्ट आपको क्वेश्चन जो दिया था, तो दो टर्म में से एक को बदला, एक को नहीं बदला, प्लस साइन, दो टर्म में से एक को बदला, एक को नहीं बदला। अब बताइए यहां पे कोसेक ऐसे लिखेंगे कोसेक, बाद में 90 माइनस 50 का आंसर आता है 40, यानी कोसेक के साथ यहां 90 माइनस 50 का आंसर 40 इंटू साइन 40 प्लस यहां पे साइन, फिर से 90 माइनस 40 का आंसर आता है 50, साइन 50 और ये आ गया कोसेक 50, कोसेक 50। तो कोसेक, ये कोसेक 90 माइनस 50 का आंसर 40, सो ये कोसेक जैसा है वैसी है, और 90 माइनस 50 का आंसर आ गया यहाँ पे 40। सेकेंड टर्म तो चेंज नहीं किया, साइन 40 प्लस साइन जैसा है वैसी, और 90 माइनस 40 का आंसर आ गया 50 और कोसेक 50। अब इसके बारे बताया था कि साइन कॉस टैन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टैन, और साइन का उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, और टैन का उल्टा कॉट है। यानी आप बोल सकते टैन इज इक्वल टू 1/cot, साइन का उल्टा कोसेक है यानी साइन इज इक्वल टू 1/cosec, कॉस का उल्टा सेक है तो कॉस इज इक्वल टू 1/sec इज इक्वल टू 1/cos, या कॉस इज इक्वल टू 1/sec, टैन इज इक्वल टू 1/cot, कॉट इज इक्वल टू 1/tan।
कि वो साइन कॉसेक दोनों कन्वर्स क्यों है। साइन का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ ऊपर एच नीचे, और कोसेक का फॉर्मूला उल्टा है हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। तो साइन में ओ अपॉन एच और कोसेक में उल्टा एच अपॉन ओ, इससे दोनों एक दूसरे के कन्वर्स। कॉस में ए अपॉन एच और सेक उसका उल्टा है एच अपॉन ए। टैन में ओ अपॉन ए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट और कॉट में उल्टा है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। इससे ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन कॉस टैन, और तीन उसके कन्वर्स है अपोजिट, मतलब साइन कोसेक कन्वर्स है फिक्स है बिल्कुल। तो साइन इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक या कोसेक इज इक्वल टू वन अपॉन साइन। कॉस और सेक कन्वर्स है, कॉस इज इक्वल टू वन अपॉन सेक या सेक इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस। टैन और कॉट कन्वर्स है, टैन इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट, कॉट इज इक्वल टू वन अपॉन टैन। तब यहाँ देखिए डैट इज इक्वल टू, तो जो कोसेक है आप कोसेक की अगर लिख सकते हैं वन अपॉन साइन, कोसेक की अगर वन अपॉन साइन। सो के कोसेक और साइन दोनों कन्वर्स है, ठीक है। कोसेक है हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, एच ऊपर ओ नीचे, और साइन में उल्टा था ओ ऊपर एच नीचे ओ। यहाँ पे कोसेक किया गया वन अपॉन साइन, और एंगल जो यहाँ दिया था सेम एंगल यहाँ पे पुट करना है, सेम एंगल इनटू। तो कोसेक इज वन अपॉन साइन, ठीक है। तो कोसेक 40 है इसलिए वन अपॉन साइन 40 इनटू ये साइन 40 ऐसी है, प्लस यहाँ पे देखिए साइन 50 इनटू फिर से देखिए कोसेक वन अपॉन साइन, वैसे यहां पे भी कोसेक आ गया तो वन अपॉन साइन साइन 50। सो कोसेक इज वन अपॉन साइन, एंगल सेम रखना, एंगल को चेंज नहीं कर रहे, जो भी एंगल यहां पे सेम है। कोसेक इज वन अपॉन साइन, साइन 40 वैसे रखा, ये साइन 50 वैसे रखा इनटू कोसेक, फिर से कोसेक इज वन अपॉन साइन। अब बताइए यहां पे दैट इज इक्वल टू वन अपॉन साइन 40 इंटू ऊपर साइन 40 प्लस साइन 50 इंटू वन अपॉन साइन 50। सेम इक्वेशन को हमने एक बार और लिख दिया ताकि समझ में आ जाए अच्छे से, सेम चेंज नहीं किया। वन अपॉन साइन 40 इंटू ये साइन 40 प्लस ये साइन 50 इंटू वन अपॉन साइन 50। ये साइन 40 कैंसल, यहाँ आंसर बचा 1। साइन 50 कैंसल, यहाँ पे आंसर बचा 1। यानी आंसर क्या गया, डेट इज इक्वल टू ये साइन 40 कैंसिल, यहाँ पे 1 बच गया था, प्लस साइन 50 कैंसिल, यहाँ भी आंसर 1 बचा है। 1 + 1 डेट इज 2, ये इसका आंसर है। 1 + 1 इज इक्वल टू। सो क्या किया हमने, तो क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 10.53 आर डी शर्मा, sec 50 इंटू साइन 40 प्लस cos 40 इंटू cosec 50, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, इसकी वैल्यू ही आ रही है। तो क्या करना पड़ता है, दो टर्म में से एक को पूरा बदलना है, एक को बिल्कुल नहीं बदलना है। तो कैसे बदलना है, सेक को कन्वर्ट करेंगे कोसेक में और थीटा को रिप्लेस करेंगे 90 माइनस थीटा, सेकंड टर्म को नहीं बदला। फिर यहाँ कॉस को रिप्लेस किया साइन से, 40 थीटा को रिप्लेस किया 90 माइनस 40 सेकंड टर्म को चेंज नहीं किया, लाइक दिस इसका कैलकुलेशन किया। और एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से याद रखिए, कोसेक और साइन एक दूसरे के अपोजिट है, तो कोसेक की जगह वन अपॉन साइन लिख सकते, और जो कोसेक के साथ एंगल दिया साइन के साथ भी वही एंगल लिखेंगे। तो कोसेक 40 इज वन अपॉन साइन 40 इंटू साइन 40 ऐसी प्लस साइन 50 इंटू फिर से कोसेक है, कोसेक इज वन अपॉन साइन 50 है तो 50। फिर यही सेम टर्म को हमने एक बार और लिख दिया, वन अपॉन साइन 40 है इंटू साइन 40 प्लस साइन 50, और ये देखिए यहाँ इसको जो नीचे था उसको साथ में लिख दिया, यहाँ साइन 40 कैंसिल आंसर 1 आ गया, प्लस साइन 50 कैंसिल आंसर 1 आ गया। सो 1 + 1 ये इसका आंसर 1 प्लस इसका आंसर 1, 1 + 1 इज 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट किया, दैट इज 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 आर डी शर्मा एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन नंबर 3 ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में फर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको वैल्यू कैलकुलेट करना था, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे टर्म्स दिए, टर्म्स एक सेक 76 कोसेक के टर्म्स दिए, ये टर्म्स के जो एंगल है ये एंगल्स को 0 और 45 डिग्री के बीच में लिखना है। अगर आप क्वेश्चन पूरा रीड करेंगे तो उसमें दिया है एक्सप्रेस फॉलोइंग टर्म्स एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 और 45 डिग्री। यानी क्या करना है यहाँ पे, जैसे इवैल्यूएट इसके पहले वैल्यू कैलकुलेट करते, यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे दिया कि ये जो टर्म दिया है इसके एंगल को 0 और 45 के बीच में लिखना है, वैसे ये टर्म के एंगल को भी 0 और 45 के बीच में, मतलब यहाँ पे एंगल देखिए 0 और 45 से बड़ा एंगल है 76, यहाँ भी 45 से बड़ा है 52। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सप्रेस फॉलोइंग टर्म्स, ये दोनों टर्म्स को एक्सप्रेस करना है एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैविंग एंगल्स बिटवीन 0 और 45। बताइए आपको क्या करना है, इस एंगल को 0 और 45 के बीच में लाना है,
नेचुरली अगर इसको 0 और 45 के बीच में लाना, ये 76 है, अगर इसको 90 से माइनस करेंगे, 90 माइनस 76 तो आंसर आ जाएगा 14, यानी एंगल हमारा 0 45 के बीच में आ जाएगा। लेकिन जब भी हम किसी एंगल को रिप्लेस करेंगे 90 माइनस एंगल मतलब थीटा को 90 माइनस थीटा, तो ये भी बदलना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा हमको, अगर एंगल को 0 और 45 डिग्री के बीच में करना है, मतलब इसको 90 से माइनस करना है, यानी थीटा को हमको लिखना है एज 90 माइनस थीटा। थीटा कैसे लिखना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। क्यों ऐसे क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको दिया है क्वेश्चन में इस एंगल को, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, इस एंगल को 0 और 45 के बीच में लिखना है। तो अगर इस एंगल, ये 0 और 45 के बीच में नहीं है, ये एंगल 76 45 से बड़ा है, लेकिन अगर इसी एंगल को हमने माइनस किया 90 से, तो इसका जो आंसर आएगा 14 वो 0 45 के बीच में आ जाएगा। यानी हम थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं, किसमें रिप्लेस कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा। लेकिन जब भी एंगल को रिप्लेस करेंगे थीटा को 90 माइनस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको भी बदलना पड़ेगा। और सेक, देखिए सेक को किस रिप्लेस करना पड़ता है, सेक को रिप्लेस करना पड़ता है कोसेक से, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक, ये कोसेक। तो सेक को रिप्लेस करेंगे कोसेक को, और एंगल 76 को 90 माइनस 76, तो हमारा एंगल आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 14, यानी कोसेक के साथ जो एंगल जो 45 से बड़ा था यहाँ सेक के साथ, वो 45 से छोटा आ गया। प्लस ये प्लस साइन जैसा वैसे वैसे सेकेंड टर्म, बताइए एंगल 52 भी 45 से बड़ा है, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, इसके साथ जो एंगल दिया, इस एंगल को 0 और 45 के बीच में लिखना है। लेकिन अगर इसको 0 और 45 के बीच में लिखना है, तो ये 52 है 45 से बड़ा, तो हमको 90 से माइनस करना पड़ेगा। यानी इस एंगल को हमको, सपोज ये एंगल अभी थीटा है, इसको हमको लिखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा या 90 माइनस 52। लेकिन अगर एंगल को हम रिप्लेस करेंगे थीटा को 90 माइनस थीटा, तो हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया वो भी बदलना पड़ेगा। बताइए अगर सेक है उसको रिप्लेस करना पड़ता है कोसेक से, सेक को कोसेक, लेकिन अगर पहले से कोसेक है तो कोसेक को रिप्लेस करना पड़ेगा सेक से, यहां पे सेक दैट इज इक्वल टू, ये आ गया कोसेक, सेम इसको टर्म चेंज नहीं किया, ये एंगल 90 माइनस 76 का आंसर आ गया 14। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो एंगल जो 45 से बड़ा था, लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया है कि एंगल 0 45 डिग्री के बीच में चाहिए, ये 14 जो है एंगल, ये पहले 45 से बड़ा था, ये 45 और 0 और 45 के बीच में आ गया। प्लस ये सेक जैसा वैसे ही लिखेंगे, और 90 माइनस 52 का आंसर, अगर आप कैलकुलेट करें 90 माइनस 52 का आंसर आ जाएगा 38। सो क्वेश्चन में यहां पे जैसे इसके पहले के प्रॉब्लम और यहां पे फर्क है, इसके पहले के प्रॉब्लम में जो इक्वेशन दिया उस इक्वेशन की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो दो में से एक टर्म को बदलते थे, एक को नहीं बदलते थे। लेकिन ये क्वेश्चन में ये इक्वेशन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो एंगल दिया, जो एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, इन एंगल को 0 और 45 के बीच में लिखना है। लेकिन अगर इस एंगल को 0 और 45 के बीच में लिखना है, तो ये दोनों को 90 से माइनस करना पड़ेगा। तो अगर ये हमारा थीटा है, तो हमको 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। लेकिन अगर थीटा को हम रिप्लेस करें 90 माइनस थीटा से थीटा को, तो हमको फंक्शन भी बदलना पड़ेगा, साइन है तो कॉस लिख देना पड़ेगा, कॉस है तो साइन, सेक है तो कोसेक, कोसेक है तो सेक, टैन है तो कॉट, कॉट तो टैन। यहाँ देखिए एंगल 76 को हम 90 माइनस 76 कर रहे हैं, थीटा को 90 माइनस थीटा, तो ये भी बदलना पड़ेगा सेक, और सेक को बदलना पड़ेगा कोसेक से, तो सेक को रिप्लेस कर रहे हैं कोसेक। और अगर पहले से कोसेक दिया है, 52 को लिख रहे हैं हम 90 माइनस 52, तो कोसेक को रिप्लेस करेंगे सेक, तो सेक दिया है तो उसको रिप्लेस करेंगे कोसेक से, लेकिन पहले से कोसेक दिया उसको रिप्लेस करेंगे सेक। यहां सेक दिया है कोसेक से रिप्लेस किया, यहां कोसेक दिया है सेक से रिप्लेस किया, उसके बाद ये कोसेक वैसी है और 90 माइनस 76 का आंसर आ गया 14, ये सेक वैसी है 90 माइनस 52 का आंसर 38। अब यहां एंगल देख ली, ये एंगल 0 और 45 डिग्री के बीच में, यानी दोनों एंगल अगर देखेंगे, ये दोनों एंगल एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री, ये दोनों एंगल, एंगल बिटवीन 0 एंड 45, यही क्वेश्चन में बस दिया। तो जो एंगल 76 और 52 जो क्वेश्चन में पहले से दिया, ये 0 और 45 के रेंज में नहीं था, लेकिन अब जो एंगल आ गया 0 और 45 के बीच में, बिल्कुल सेम चीज यहां कर रहा है। बताइए यहां एंगल दिया 85, ये एंगल हमारे साथ थीटा 85, लेकिन हमको इस एंगल को 0 45 के बीच में, सेम क्वेश्चन है, 0 45 के बीच में करना है। बताइए 85 को 0 45 के बीच में करना, हमको 90 से माइनस करना पड़ेगा, यानी हमको लिखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 85,
ये 90 माइनस 85 लिखने से फायदा क्या आएगा, हमारे इसका आंसर आ जाएगा 5। ये जो एंगल दिया 85 ये 0-45 के बीच में नहीं है, लेकिन ये जो आंसर आएगा एक्चुअली 90 माइनस 85 का 5, ये 0-45 के बीच में है। लेकिन अगर एंगल थीटा को हम 90 माइनस थीटा लिख रहे तो फंक्शन भी चेंज करना पड़ेगा, और फिक्स है कॉट को रिप्लेस करना पड़ेगा टैन से, और टैन को रिप्लेस करना है कॉट से। यहाँ कॉट है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा टैन से। प्लस अब यहां देखिए एंगल दिया है 75, ये एंगल हमारा थीटा, क्या ये एंगल 75 0-45 के बीच में है? नहीं, ये एंगल बड़ा है। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन में दिया कि जो भी एंगल दिए उस एंगल को 0-45 के बीच में लिखना है, इस एंगल को 0-45 के बीच में लिखना है, तो इस एंगल को 90 से माइनस करेंगे, इस एंगल को 90 से माइनस करेंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस 75, तो हमारा 75 हो जाएगा 90 माइनस 75 यानी 15 आ जाएगा। नेचुरली 15 75 0-45 के बीच में नहीं था, लेकिन यहां जो आंसर आएगा 15 और 0-45 के बीच में रहेगा। लेकिन जब भी एंगल को हम बदल रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी बदलना पड़ेगा, और कॉस देख ली, कॉस कॉस को रिप्लेस करना पड़ेगा साइन से, कॉस को साइन से। दोनों क्वेश्चंस का डिफरेंस देख लिए, इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन डिफरेंस, यहां पे जो इक्वेशन दिया उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, यहां पे जो इक्वेशन दिया इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, बल्कि यहां जो एंगल्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, जैसे ये एंगल दिया यहां पे ये एंगल दिया, ये एंगल 0-45 डिग्री के बीच में नहीं है, लेकिन ये एंगल्स को 0-45 के बीच में लिखना है, और उसके लिए क्या करेंगे, जो भी एंगल्स दिया उसको हमेशा 90 से ही माइनस करेंगे। यहां 90 माइनस 76, यहां पे 90 माइनस 52, यहां पे 90 माइनस 85, यहां पे 90 माइनस 75। फिर उसका फायदा क्या होगा, 90 से माइनस करने से हमारा एंगल जो 0-45 के बीच में नहीं था वो 0-45 के बीच में आ जाएगा। लेकिन जब भी आप एंगल को 90 माइनस करेंगे तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चेंज करना है। सेक है तो कोसेक, कोसेक है तो सेक, कॉट है तो टैन, कॉस है तो साइन। तो फाइनल आंसर देखिए क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, तो फाइनल आंसर आ जाएगा यहां पे टैन 90 माइनस 85 का आंसर आ गया 5, यहां पे टैन 5 प्लस साइन, ये टैन वैसी है, और 90 माइनस 85 का जो आंसर था, 90 माइनस 85 का आंसर आ गया 5, ये साइन वैसी है, और 90 माइनस 75 का आंसर, 90 माइनस 75 का आंसर आ गया 15। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया टैन 5 प्लस साइन 15। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था जिसमें एंगल 0-45 के रेंज में नहीं था बल्कि 45 से बड़ा था, उस एंगल को 90 से माइनस किया, लेकिन फंक्शन भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बदलना पड़ेगा, कॉस किया गया साइन, कॉट किया गया टाइन। अब हमारा जो आंसर आ गया, इस आंसर में जो एंगल हमारा 0-45 के बीच में आ गया, दिस इज फाइनल आंसर टैन 5 प्लस साइन 15। सो इस क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 3 और सब क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद सेम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5, पेज 10.53 पे क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन अगर आप रीड करके देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन और भी आगे मिलेंगे आपको। सो क्वेश्चन नंबर 5 पेज 10.53, क्वेश्चन में दिया है ये इक्वेशन, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। हमको a की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट करना है, a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको यहां का इक्वेशन जो इसको इक्वेट करना पड़ेगा। लेकिन दोनों एंगल्स इक्वेट तभी कर सकते जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है। सो क्वेश्चन नंबर 5 पेज 10.53, उसमें ये इक्वेशन दिया है साइन 3a, इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू कैलकुलेट करना है। a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहां साइन के साथ जो एंगल दिया 3a, यहां कॉस के साथ a माइनस 26, ये दोनों एंगल इक्वेट करेंगे। लेकिन ये एंगल इक्वेट तभी कर सकते जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, यहां साइन है यहां कॉस है, अलग अलग है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वेट नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, ये साइन है तो या तो इसको कॉस बदलना पड़ेगा, जब ये भी कॉस हो जाएगा और ये भी कॉस रहेगा एंगल इक्वेट कर सकते, या इसको साइन ऐसे रखेंगे इसको साइन करेंगे, जब दोनों साइन हो जाएगा तब भी एंगल इक्वेट कर सकते, या दोनों कॉस हो जाएगा एंगल इक्वेट कर सकते। सो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है जिसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमको ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है, कहीं ये इक्वेशन किसी में थीटा के फॉर्म में रहेगा, 3 थीटा इज इक्वल टू ए माइनस या थीटा माइनस 26, तो इक्वेशन एबीसी के फॉर्म में रहेगा या थीटा के फॉर्म में रहेगा और हमको वो एंगल निकालना है। सो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेप रहेगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे यहां साइन है यहां कॉस,
ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबसे पहले दोनों को सेम करना पड़ेगा, सेम। बताइए यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, दोनों अलग अलग है। इस कॉस को हम नहीं बदल रहे, ये जो साइन है इसको बदल रहे। यानी हमारा क्वेश्चन दिया है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। तो सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम करना पड़ेगा। उसके लिए हम इस साइन को चेंज करके कॉस बना रहे। क्यों बना रहे कॉस, क्योंकि ए बी कॉस है, जब दोनों जगह कॉस कॉस आ जाएगा एंगल इक्वेट करेंगे, तो इस साइन को कॉस बना रहे और इस कॉस को नहीं बदलेंगे। लेकिन जब भी आप साइन को रिप्लेस करेंगे कॉस से, तो ये एंगल हमारा थीटा हो गया, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर रहे हैं, साइन किया गया कॉस या कॉस किया गया साइन, तो एंगल थीटा किया गया 90 माइनस थीटा। तो थीटा यहां 3a है, तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू, इसको चेंज नहीं कर रहे, ये कॉस वैसे ही है और ये एंगल भी चेंज नहीं कर रहे इसलिए, क्योंकि चेंज नहीं किया। तो दोनों सेम है। सो पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया उसमें एक तरफ दिया साइन एक तरफ कॉस, दोनों अलग अलग है। अगर दोनों अलग अलग है तो इनके एंगल के इक्वेशन को इक्वेट नहीं कर सकते, तो पहले दोनों जो अलग अलग उसको सेम करना पड़ेगा। तो हम इस कॉस को नहीं बदल रहे लेकिन इस साइन को कॉस बना रहे। लेकिन अगर साइन को रिप्लेस करेंगे कॉस से, तो एंगल जो भी दिया उसको थीटा बोलेंगे, उसको 90 माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे। ये हमारा एंगल आ गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा हमारा 3 है। तो कॉस 90 माइनस 3 है इज इक्वल लाइक दिस। अब इसके बाद देखिए, ये कॉस सेम रहेगा, कॉस 90 माइनस 3 है इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26। अब ये भी हो गया कॉस और ये भी है कॉस, दोनों कॉस। जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, इसके पहले सेम नहीं थे, अलग अलग थे, इसलिए उनके एंगल को इक्वेट नहीं कर सकते। अब दोनों सेम हो गए, अब एंगल को इक्वेट कर सकते। यानी अब इसके बाद आप लिख सकते हैं, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो अब एंगल, यानी 90 माइनस 3 है इज इक्वल टू ए माइनस 26। लेकिन ये एंगल को इक्वेट कब कर सकते हैं, जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, जैसे यहां कॉस कॉस। लेकिन इसके पहले शुरू के क्वेश्चन में साइन कॉस अलग अलग थे, इसलिए एंगल को इक्वेट नहीं कर सकते, और दोनों अलग अलग थे इसलिए दोनों को सेम बनाया। कैसे, राइट हैंड साइड को बिल्कुल नहीं बदला हमने, लेफ्ट हैंड साइड के साइन को कॉस किया। लेकिन साइन को कॉस किया, थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा से, कि कॉस वैसी है 90 माइनस 3 है, और यहाँ पे भी कॉस। अब दोनों, क्योंकि कॉस कॉस सेम है, जब दोनों अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आ गया, अब एंगल को आप इक्वेट कर सकते हैं। 90 माइनस 3 है इक्वल टू ए माइनस 26, हमको ए कैलकुलेट करना है। अब ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बताइए हम माइनस 3 है उधर लेके आएंगे, प्लस आ जाएगा और नंबर यहाँ, यानी सारे नंबर एक तरफ लेके आ जाएंगे और ए वाले टर्म दूसरे साइड ले आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 90, ये माइनस 26 यहाँ पे आएगा तो प्लस आ जाएगा, सो 90 और माइनस 26 ये माइनस है, बताइए इज इक्वल टू राइट में, जब लेफ्ट में लाएंगे माइनस को तो क्या आ जाएगा, प्लस इज इक्वल टू ए, और जो माइनस 3 है माइनस 3 उसको राइट में लेके आएंगे तो ये माइनस है, राइट में आएंगे प्लस 3। सो 90 वैसी है, माइनस 26 जो इज इक्वल टू के राइट में था उसको इज इक्वल टू के लेफ्ट में लाए तो प्लस 26। ए वैसी है, माइनस 3 है जो इज इक्वल टू के लेफ्ट में था उसको राइट में लेके गए तो माइनस 3 है का प्लस 3 है। बताए 90 प्लस 20 110 और 6 116, ये दोनों ऐड करेंगे 116, ए प्लस 3 है 4 है, 116 इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से एक आंसर आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ ऊपर है, 4 नीचे आ जाएगा। सो 116 अपॉन 4 इज इक्वल टू ए, सो ए को जब यहाँ पे लाएंगे डिनोमेटर में आ जाएगी, 116 अपॉन 4 इज इक्वल टू ए। नाउ 4 से आप डिवाइड कर दिए 116 को, यू विल गेट ए इज इक्वल टू 29, ए इज इक्वल 29 डिग्री, दिस इज द आंसर। यानी अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26, तो इस केस में ए की वैल्यू 29 रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चन और भी करेंगे अभी, लेकिन बहुत सिंपल है यहाँ पे। सबसे पहले क्या, आपको इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में साइन 3a इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26, और हमको एंगल ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है। एंगल ए की वैल्यू कैलकुलेट करने एंगल की इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ता, लेकिन एंगल की इक्वेशन को इक्वेट तभी कर सकते हैं जब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, लेकिन एक जगह साइन एक जगह कॉस, तो एंगल को इक्वेशन को इक्वेट नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया, जो क्वेश्चन दिया है
उसमें दोनों जगह सेम किया ना, अगर हम यहाँ साइन ऐसे रखते और ये कॉस को साइन बताते तो भी करेक्ट है, लेकिन हमने क्या किया, एक कॉस का इक्वेशन पहले से थोड़ा सा टफ था, ए माइनस 26, यहाँ देखिए दो टर्म थे, यहाँ पे एक ही टर्म है, 3 है, तो इसे राइट साइड के इक्वेशन को नहीं बदला, लेफ्ट साइड के साइन को कॉस बनाया, लेकिन साइन को कॉस बनाएंगे तो थीटा को रिप्लेस करेंगे 90 माइनस थीटा, दोनों साइड जो टर्म्स अलग अलग थे साइन कॉस, जब दोनों सेम हो गए, कॉस कॉस दोनों सेम हो गए, जब दोनों यहां सेम हो गए तो इनके एंगल्स को इक्वेट कर सकते हैं, तो यहां साइन को कॉस बनाया मतलब ये भी कॉस हो गया, ये पहले से कॉस था, जब दोनों अगर सेम आ गए तो एंगल 90 माइनस 3a और a माइनस 26 क्योंकि दोनों सेम है तो इसको इक्वेट कर सकते हैं, 90 माइनस 3a, देखिए 90 माइनस 3a और a माइनस 26 स्क्वायर, फिर पूरे नंबर को एक तरफ लाए, माइनस 26 यहां लेके आ जाएंगे प्लस आ जाएगा, और सारे नंबर्स को एक तरफ लाए और जो a वाले टर्म उसको दूसरी साइड लेके गए, सो 90 माइनस 26 इज इक्वल टू, राइट में इधर आएगा तो लेफ्ट में माइनस का प्लस हो जाएगा, 90 प्लस 26 ए ये है और ये माइनस 3 है इज इक्वल टू के लेफ्ट में राइट में आएगा प्लस आ जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे 116 ए प्लस 3 है तो ये 3 ए और ये 1 ए है दोनों मिला के 4 ए, तो 116 इज इक्वल टू 4 ए, अब हमको ए चाहिए तो 4 या नीचे आ जाएगा, 116 अपॉन 4 इज इक्वल टू ए, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 29 डिग्री, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 पेज 10.53। थैंक यू।